हमने रिसेंटली देखा होगा कि ईरान और यूएस के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन आजकल बढ़ चुकी है। ईरान ने इराक में यूएस की एम्बेसी के आसपास पे रॉकेट लॉन्च कर दिया है, ये है सो है। अमेरिका ने ईरान के जो रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स के जो मेजर जनरल रैंक पे सुलेमानी, कासिम सुलेमानी, उसको मार दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था ईरान की डिप्लोमेसी के लिए। तो ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है बेसिकली रेवोल्यूशन, जो ईरानियन रेवोल्यूशन था 1979 का। बट उतना डीप हम जाएंगे नहीं आज के इस वीडियो में, क्योंकि वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम इस वीडियो में चार टॉपिक्स क्लियर करेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉज यूएसए फ्रॉम जेसीपीओए। जेसीपीओए स्टैंड फॉर जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। तो और करेंगे जेसीपीओए की मतलब जेसीपीओए एक्चुअली है क्या, ठीक है, और इंडिया की क्या पोजीशन है उस चीज को लेके, कि जो इनके बीच में भी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप के बाद, और इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम ये चार टॉपिक कवर करने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील से, जो कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये साइन कब हुआ था? ये साइन किया गया था 2015 में, जबकि एक्टिव जो प्रेसिडेंट था यूएसए के वो थे बराक ओबामा। तो ये साइन किया गया था P5 Nations+1 एंड ईरान के बीच में। तो P5 Nations कौन से? जो परमानेंट 5 मेंबर्स हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और +1 जो 1 है वो जर्मनी है। तो जर्मनी P5+1 और ईरान के बीच में साइन हुआ था। तो इसका एम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना एक तरह से, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं? यूरेनियम होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो यूरेनियम को एनरिच किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इट एज अ वेपन और टू यूज इट एज अ वेपन, ठीक है। बाकी यूरेनियम का जो पीसफुल यूज होता है वो हर एक कंट्री के पास राइट है। तो बट तो ईरान न्यूक्लियर डील के थ्रू क्या होता है, जो भी कुछ सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे होते हैं कि वो न्यूक्लियर जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी यूरेनियम होता है उनका ट्रेड नहीं कर सकता, उसको कोई यूरेनियम प्रोवाइड नहीं करेगा, उसको कोई न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये सब जो सैंक्शंस है, और इंटरनेशनली भी उसको इंटरनेशनल बैंकिंग में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था ईरान को। तो क्या होता है, ये सब सैंक्शंस ना लिफ्ट अप कर देते हैं जो कि ईरान न्यूक्लियर डील के थ्रू। तो ये सारे सैंक्शंस इसके ऊपर से हट जाते हैं और ईरान को अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं वो तो पीसफुल यूज ऑफ यूरेनियम और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जीज तो उसको अलाउ कर दिए जाते हैं, ठीक है। बट क्या होता है ना कि ईरान में जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज होंगी, उनके जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे उन पे एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट एकदम एक इंस्पेक्शन रखा जाएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगी उसकी, काफी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज होंगी जो कि उसमें मॉनिटर कर सकती है कि ये एनरिच तो नहीं कर रहा है, ये न्यूक्लियर वेपन की तरफ तो नहीं टारगेट रख रहा है अपना न्यूक्लियर एनर्जी का, या फिर ये सब, ठीक है। इट अलाउड ईरान टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल बैंकिंग। तो जो मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग्स है, बैंकिंग इसको करना अलाउ हो गया था ईरान को, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही अपनी करेंसी में कर सकता था, ठीक है। तो ये सब सारे जो जितने सैंक्शन थे वो सब उसके ऊपर से लिफ्ट कर दिए गए। इट अलाउड ईरान्स बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन ओवरसीज। तो मतलब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसका ट्रांजेक्शन था ना ओवरसीज का, वो अलाउ कर दिया गया, सिंपल बैंकिंग अलाउ कर दी गई। तो और यूरेनियम एनरिचमेंट उसका लिमिटेड कर दिया गया, मतलब जो 3.67% तक ही वो एनरिच कर सकता था अपना यूरेनियम, ताकि वो उसको पीसफुल यूज कर सके, क्योंकि फर्दर अगर हम एनरिच कर रहे हैं तो इससे हमारे आइडियाज पता लग जा रहे हैं कि ही इज नॉट यूजिंग दैट यूरेनियम फॉर अ पीसफुल पर्पज, और ना ही एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, ही इज टारगेटिंग टूवर्ड्स मेकिंग इट एज अ वेपन। तो ये सब ठीक है, तो ये सब चीजें रिस्ट्रिक्शन जो थी ईरान पे से हटा दी गई थ्रू ईरान न्यूक्लियर। देखिए जो डोनाल्ड ट्रम्प थे 2017 में इलेक्ट होके आए थे एज अ यूएस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, उससे विड्रॉ कर लिया यूएसए को। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ईरान पे जो होते हैं ना सैंक्शंस रीइम्पोज हो जाते हैं, जो पहले सैंक्शंस हटाए गए थे जेसीपीओए के थ्रू वो दोबारा से रीइम्पोज हो जाता है, और ईरान काफी सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल उनके
जो भी है रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा इम्पोज हो जाते हैं ईरान पे दोबारा से, ठीक है। द डील वॉज इन इफेक्टिव एट इट्स कोर, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो जस्टिफिकेशन था उसको उससे विड्रॉ करने का, तो वो ये था कि क्या कहते हैं जो ईरान न्यूक्लियर डील थी दैट वॉज इन इफेक्टिव एट इट्स कोर, मतलब जो इंस्पेक्टिंग एजेंसीज थी जो भी इंस्पेक्ट करती थी उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे, तो वो बहुत ज्यादा इन इफेक्टिव थी, मतलब अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं कर पा रही थी। ईरान फिर भी अपना जो यूरेनियम है उसको एनरिच कर रहा था, एटोमिक बॉम्ब्स एटोमिक मिसाइल्स वगैरह इनके बहुत सारे एविडेंसेज मिल रहे थे यूएसए को, तो यूएसए को ये लगा कि इट इज इन इफेक्टिव और क्या कहते हैं हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए ईरान न्यूक्लियर डील से। और जो और कंट्रीज हैं जैसे P5+1 कंट्रीज हैं तो उसमें यूएसए को एक्सक्लूड करके जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे चाइना रशिया यूके फ्रांस जर्मनी और यूरोपियन यूनियन वो स्टिल दे आर सपोर्टिंग इट, दे आर कंप्लाइंग विद द ईरान न्यूक्लियर डील और क्या कहते हैं उन्होंने विड्रॉ नहीं करा है, तो देयरफॉर दिस ईरान न्यूक्लियर डील इज स्टिल इफेक्टिव, बस यूएसए ने उन पर सैंक्शंस इम्पोज करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ईरान और यूएसए की एक दूसरे को लेके क्या पोजीशन है उससे ज्यादा हमारे मैटर करता है कि इंडिया की बेसिकली अभी इस समय पे क्या पोजीशन है। तो इंडिया का पास देखा जाए तो इंडिया हैज प्रीवियसली सपोर्टेड JCPOA, इंडिया ने ईरान न्यूक्लियर डील को पहले से ही सपोर्ट किया था, क्यों, क्योंकि एक जो न्यूक्लियर डील थी ईरान न्यूक्लियर डील वो एक बहुत ही पीसफुल आउटकम था और बहुत ही एक तरह से पीसफुल उसको मानो सॉल्यूशन था उस प्रॉब्लम का, ठीक है। इंडिया वांट्स पीसफुल सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी, इंडिया क्या चाहते थे कि डायलॉग्स और डिप्लोमेसी के थ्रू जो भी है सॉल्यूशंस निकले, और जो कि ईरान न्यूक्लियर डील एक सॉल्यूशन था भी, तो इंडिया वाज अ सपोर्टर ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील। और इंडिया जो है वो ईरान की जो राइट टू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक हर एक कंट्री के पास होना चाहिए और इंडिया उसकी भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती है, तो इंडिया की बेसिकली टोटल एक पोजीशन देखी जाए तो इंडिया वाज अ सपोर्टर ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय पे वो है कि इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे इंडिया पे इस समय पे, तो इम्पैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इंडिया इंटरेस्ट द वेस्ट एशिया इज एट स्टेक, तो जो इंडिया का इंटरेस्ट है ना वेस्ट एशिया में जहां पे ईरान और इराक और सऊदी अरेबिया ये सब कंट्रीज जो इन्वॉल्व है इस समय पे, यहाँ पे जो इंडिया का इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा इस समय खतरे पे है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 8 मिलियन माइग्रेंट्स रहते हैं इंडिया के जो वहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे रोजगार करते हैं वहाँ पे कमाते हैं खाते हैं वहीं पे रहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इंडिया का कई सारा इन्वेस्टमेंट है उस जगह पे, इंडिया का कई सारा डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे जो वेस्ट एशिया है, तो वो सब जो है बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा अगर क्या कहते हैं ईरान और अमेरिका जो है एक ओपन वॉर में एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाती है। और सेकेंड जो इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे दैट इज द राइज ऑन द प्राइसेज ऑफ द क्रूड ऑयल, जो कि हम देखते हैं क्रूड ऑयल इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट जो इंडिया करता है आफ्टर इराक और आई थिंक सऊदी अरेबिया, या इराक एंड सऊदी अरेबिया, तो उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट जो है इंडिया क्रूड ऑयल का ईरान से ही करता है, तो ये जाहिर सी बात है अगर ईरान वॉर में आता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, उससे क्या होगा क्रूड ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बढ़ेंगे, उससे क्या होगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से क्या होगा रुपीज का डाउनफॉल होगा, तो एक तरह से ना ये रुपीज की वैल्यू डाउन होगी, तो इससे सर्कल बन जाएगा। तो इंडिया ना ये बहुत ही ज्यादा अभी फिलहाल तो रिसेंटली बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही है, 4.5 और अराउंड 5% का GDP ग्रोथ है इंडिया का, तो बहुत ज्यादा इस समय पे इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर ईरान कम्स एट अ ओपन वॉर विद यूएसए, ठीक है। और 2018 में तो हमने अपना जो इम्पोर्ट है वो और ज्यादा बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है वहां से क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट। और जो थर्ड पॉइंट है वो है चाबहार पोर्ट, तो चाबहार पोर्ट ईरान में इंडिया डेवलप कर रही है, अराउंड 87 और 90 मिलियन डॉलर अभी तक इंडिया इन्वेस्ट कर चुकी है राइट नाउ, और टोटल 500 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो चाबहार पोर्ट इंडिया ने इसलिए डेवलप करा था टू ओवरकम द हर्डल बिटवीन जो पाकिस्तान एक हर्डल बनती है इंडिया और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री, तो अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए थ्रू ईरान जाने के लिए चाबहार पोर्ट इंडिया ने डेवलप करा था। चाबहार पोर्ट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, अराउंड 500 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और फोर्थ पॉइंट है INSTC, that is International North South Corridor, that is being developed by
काफी सारी इसकी फाउंडर कंट्रीज हैं कि जैसे रशिया हो गया, ईरान हो गया, तो ईरान के थ्रू थ्रू कटिंग थ्रू जो सेंट्रल एशिया के थ्रू रशिया तक पहुंचने का उसका 7200 किलोमीटर का एक वो है कॉरिडोर बना रहे हैं, जो कि मल्टी मोडल एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि रोड्स भी होंगे उसमें, ट्रेन्स भी होंगी, मतलब मल्टी मोडल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो उसमें भी कई सारा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। और क्या कहते हैं, अगर ईरान जो है अमेरिका के साथ ओपन वॉर में आती है तो इस कॉरिडोर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इंडिया इसके अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इसको डेवलप कर रही थी, तो वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट तो बाद की बात है, वहां पे अगर वॉर हो गया तो वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज होगा उसको, फिजिकली डैमेज होगा, और क्या कहते हैं बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है वो सारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिफ्थ इम्पैक्ट है दैट इज रिगार्डिंग इंडियाज मेंबरशिप और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया जो है उसने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है और ईरान के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज 8 मेंबर यूरेशियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ईरान ने इंडिया को एक प्रपोजल दिया था कि क्या कहते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं 8 मेंबर्स की, जिसमें क्या कहते हैं काफी सारी कंट्रीज होंगी और एक यूरेशियन कंट्रीज के एक 8 मेंबर्स का ग्रुप होगा। हाँ, तो इंडिया का जो ये प्रपोजल है जो 8 मेंबर्स यूरेशियन सिक्योरिटी काउंसिल का, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो दैट विल बी सीन एज एन एंटी अमेरिकन स्टेप। तो एज एन एंटी अमेरिकन स्टेप बन जाएगा इंडिया का वो वाला, तो दैट विल बी टेकन एज ए नेगेटिव फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए वो बहुत नेगेटिव हो सकता है इस सिचुएशन में, अभी जो सिनारियो चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। तो जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ इम्पैक्ट वो होगा रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स। रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे किसी एक अग्रीमेंट है जैसे, तो उसका अग्रीमेंट को लेके अगर किसी कंट्रीज का कुछ कमिटमेंट है तो वो होते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स। तो देखा जाएगा पास्ट हिस्ट्री में अमेरिका है ब्रीच सो मेनी ऑफ दिस रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स, और क्या कहते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही हम देख सकते हैं, जैसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील और ये सब, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इन सब से जो अमेरिका का एक स्टैंड रहा है वो वॉक अवे करने का रहा है, ठीक है। तो इससे अमेरिका का एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं पता लग पा रहा है, और जो भी कमिटमेंट्स है अमेरिका उस पर स्टैंड नहीं कर रहा है अमेरिका, ठीक है। तो इंडिया को इससे क्या लेना पड़ेगा, इंडिया को इससे क्या देख के अपना वो करना पड़ेगा कि इंडिया विल हैव टू कंसीडर न्यू अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इट्स टाइज विद द यूएसए। तो यूएसए के साथ जितने भी टाइज है ना हमारे, उसको उसके रिगार्डिंग एक नई अंडरस्टैंडिंग इंडियन डिप्लोमेट्स को क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका जो है अपनी स्टैंड नहीं ले रहा है पर्टिकुलरली। अमेरिका इज वायोलेटिंग सो मेनी ऑफ द कमिटमेंट, सो मेनी ऑफ द अग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, और इट इज जनरली वॉकिंग अवे फ्रॉम सो मेनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। तो क्या होता है कि इससे क्या कहते हैं एक स्टैंड नहीं पता लग पाता है कंट्री का, तो इंडिया को एक सेपरेट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये है, तो बेसिकली दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स जो कि पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।